नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने जा रहे हैं, यानी कि अगले साल। ऐसे में विधायकों का पाला और निष्ठा बदलने का खेल अब शुरू हो चुका है। बसपा के 6 बागे विधायक शनिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये विधायक पिछले काफी समय से बगावती तेवर अपनाए हुए थे, यहां तक कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार को वोट किया था। तो आइए आपको ऐसे बताती हूं कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ही बागी विधायकों के बारे में जिन्होंने अपनी निष्ठा बदल ली है। तो बसपा के किन विधायकों ने सपा की सदस्यता ली है वो हम आपको बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में बसपा के जो 6 विधायक सपा में शामिल हुए, इनमें श्रावस्ती के भिनगा से जीते असलम राइन और प्रयागराज की हंडिया सीट से जीते हाकिम लाल बिंद और प्रतापपुर आयात से जीते हाजी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी हैं। सीतापुर की सिधौली से जीते हरगोविंद भार्गव, जौनपुर के बादशाहपुर से जीते डॉक्टर सुषमा पटेल और गाजियाबाद के धौलाना से जीते असलम चौधरी शामिल है। दरअसल पिछले चुनाव में बसपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा ने मऊ से जीते बाहुबली मुख्तार अंसारी को पहले ही टिकट ना देने की घोषणा कर रखी है। आज जो विधायक सपा में शामिल हुए, उम्मीद की जा रही है कि सपा उनके विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। तो वहीं बसपा के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली सपा को भी अगले कुछ दिनों में झटका लग सकता है। ऐसा नहीं है कि सपा में अगर बागी विधायक शामिल हो रहे हैं तो सपा से वहां के विधायकों की नाराजगी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा सीट से जीते सपा के राकेश प्रताप सिंह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा में कांग्रेस मोहम्मद यासिन को 26,421 वोट के बड़े अंतर से हराया था और राकेश सिंह अब बीजेपी के काफी नजदीक बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो दल बदल की राजनीति है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा सिर्फ बीजेपी नहीं, सपा नहीं, बसपा नहीं, कांग्रेस के भी विधायक हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अपनी ही पार्टी से बगावत क्यों की जा रही है और क्यों दूसरी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। क्या सिर्फ अपना लाभ देखते हैं ये लोग, ये नेता, ये विधायक, या जनता के बारे में भी सोचते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, उसे केवल 7 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस के 7 में से 2 विधायक बगावत कर चुके हैं। रायबरेली सदर सीट से जीती अदिति सिंह और हरचंदपुर सीट से जीते राकेश सिंह कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होने या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है। वहीं भदोही के ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के टिकट पर जीते विजय मिश्र भी पार्टी बदल सकते हैं। निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ चुनावी समझौता किया है। प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विजय मिश्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस समय वो आगरा जेल में बंद है। विजय मिश्र सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। खबरें ऐसी हैं कि पार्टी के उम्मीदवार मापदंडों पर खरा न उतर पाने वाले करीब 150 विधायकों का टिकट कट सकता है। वैसे आने वाले दिनों में बीजेपी में भी भगदड़ दिख सकती है। तो ऐसे में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूं। रोशनी जायसवाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, मनोज यादव जी हैं सपा नेता हैं, केसी जैन भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। मनोज यादव जी, आज 6 बागी विधायक बसपा के सपा में शामिल हो गए हैं, कहा जा सकता है कि सपा और ज्यादा मजबूत हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा हाई होगा आज आपका। देखिए, उन सभी बसपा के विधायकों का और एक जो बीजेपी के विधायक शामिल हुए हैं, टोटल विधायक आज जो शामिल हुए हैं वो 7 हुए हैं जी। सीतापुर से राकेश प्रताप राठौर जो थे, राकेश सिंह राठौर, वो भी शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी में। तो टोटल आज विधायकों की संख्या मौजूदा विधानसभा में जो है उनकी संख्या 7 है और समाजवादी पार्टी में उन्होंने विश्वास किया, आस्था जगाई कि आने वाले 2022 के विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन सरकार बनने जा रही है, इसलिए उन्होंने अपने दल को छोड़ के समाजवादी पार्टी की सदस्यता को उन्होंने ग्रहण किया है और समाजवादी पार्टी उनको और उनके समर्थकों को पूरा सम्मान देने का काम 2022 के चुनाव में करेगी। हम ये बात पूछना चाह रहे हैं, अभी आपने अपने जी बोलिए, आपने अपने रिमार्क्स में कहा कि ओपनिंग रिमार्क्स में इस बात को कहा कि राकेश प्रताप सिंह हमारे विधायक हैं और जो
बीजेपी के नजदीकियों में। तो देखिए पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, तमाम लोग आएंगे जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति। लेकिन एक बड़े पैमाने पे जो मुझे नहीं लगता है कि मैं पिछले 2 दशकों में किसी राजनीतिक दल में इस तरह टूट टूट के, और विपक्ष में जो राजनीतिक दल है, विपक्ष की मुख्य भूमिका में जो पार्टी है उसमें इतने लोग आके शामिल हो रहे हो, ऐसा मैंने बहुत कम देखा। ठीक है, लेकिन मनोज जी, जो कोई पहले एक पार्टी का सगा नहीं हो सका, वो आपकी पार्टी का सगा कैसे हो सकता है? आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसका उदाहरण मैं दूंगा उधार के सिंदूर से। बीजेपी ने जो अपना व्रत रखा और अपने आप को एक बेहतरीन पार्टी बता रही है, उसके पास तो सारे नेता कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी कुछ शामिल हुआ है, ज्यादा खुशी उससे है। नहीं, ये देखिए मैंने ये बात कही कि विश्वास की बात नहीं है। इंसान जो अपनी एक विधायक के दायरे में रह के और अपनी विचारधारा के दायरे में रह के, अगर इन विधायकों को जाना होता और इनको विश्वास होता तो मेरे ख्याल से डबल इंजन की सरकार के पास जाते। लेकिन उन्हें मालूम है कि वो नीतियां नहीं अच्छी हैं उनकी, उन्होंने हमेशा विरोध किया है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों का हक खाया है, कुमारी किया है, तो उनको विश्वास है कि समाजवादी पार्टी लड़ सकती है इस सरकार से, इसलिए वो सब अपनी आस्था के साथ इस पार्टी में अपने आप को आए हैं और उनकी उम्मीदों को खरा उतरने में जितनी पार्टी मदद कर सकती है वो करेगी। चलिए ठीक है, रोशनी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। रोशनी जी, कांग्रेस के भी कई विधायक जो हैं बागी, उनके तेवर देखने के लिए मिले हैं। कांग्रेस में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर क्यों विधायक इतने बागी हो रहे हैं? देखिए, कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी की सडन मुलाकात हुई थी फ्लाइट में, तो प्रियंका गांधी जी ने अखिलेश यादव जी से साफ साफ कहा था कि कांग्रेस के जितने कायर हैं उन्हें आप सपा में शामिल कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन कायरों के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और आगे आने वाले चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल में धरातल पर काम किया है, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही हैं हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, तो कुछ कायर अगर इधर उधर डोलते हैं या इधर उधर मुंह मारते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज यादव जी, कुछ कहेंगे आप या सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे? नहीं, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना उचित समझूंगा, क्योंकि राजनीति है। मान लीजिए किसी सदस्य को, पूर्व सांसद को, पूर्व विधायक को किसी राजनीतिक दल में आस्था नहीं है तो वो छोड़ के जा सकता है, उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एमएलसी थे जो सरकार बने। आप कह रही हैं कि वो कायर थे, यानी कि आपने कायरों की फौज तैनात कर ली है? नहीं, मैं इस बात में इसलिए नहीं खेद प्रकट करते हुए कहूंगा कि हम किसी को व्यक्तिगत तौर पर इस शब्द से नहीं नवाज सकते हैं ना, तो कहीं अगर वो पलट के वार कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपको बताएं बीजेपी के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को किस शब्द से नवाजा था कि वो काला भैंसा है, एक विधायक ने कह दिया था। फिर ओम प्रकाश राजभर ने अपने उस भाषण में क्या शब्द कहा था, शर्मसार करने वाली बात थी, मैं तो आपके चैनल पे कह भी नहीं सकता। नहीं, राजनीति तो राजनीति में अपनी भाषा की एक मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। जो अपनी शायद मर्यादा भूल जाते हैं अपने शब्दों की, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, शायद अगर मैं उदाहरण गिनाऊंगी तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। देखिए, आप दोनों ही, चाहे वो रोशनी जी हो या मनोज जी हो, आप दोनों की पार्टियों में एक चीज बहुत कॉमन है, इस बार महिलाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण दे दिया है टिकट बंटवारे को लेकर, MY का फैक्टर चेंज हो गया है, पहले मुस्लिम यादव हुआ करता था, अब महिला युवा हो गया है, महिलाओं पर इतना फोकस क्यों? पहले महिलाओं की सुरक्षा आप देंगे या पहले सीधे महिलाओं को टिकट देके यहां पर सरकार बनाएंगे? देखिए पहले ऐसा ऐतिहासिक फैसला कभी नहीं हुआ है, और 40% आरक्षण जो महिलाओं को देने की बात कही गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा, उस पे अमल करेगी प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, और सरकार एक बार बन जाएगी उसके बाद जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं विधायक होंगी तो एक महिला ही महिलाओं का दुख समझ सकती हैं, तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे जितने अपराध हैं उसे रोकने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। अभी कल की अगर बात मैं करूं तो अमित शाह जी ने रैली में कहा है कि 16 साल की लड़की गहने लाद के 12 बजे यूपी में निकल सकती है बिना किसी खौफ के,
तो रैली में इतने लोगों की भीड़ के सामने इतना बड़ा झूठ बोलते हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। कौन ऐसी लड़की है जो 16 साल की है? अगर मैं महिला एक पत्रकार होने के नाते या एक महिला होने के नाते अगर मैं भी देखूं इस चीज को, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। वही मैं कह रही हूँ ना कि जब हमारे देश के गृह मंत्री लोगों की भीड़ के सामने इतना बड़ा बयान देते हैं जो कि सरासर झूठ है, आप महिला हैं, मैं महिला हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी महिला से अगर आप ये बात पूछेंगी कि आप रात में 12 बजे गहने लाद के खुलेआम निकल सकती हैं बिना किसी खौफ के, मनोज जी, मनोज जी, नहीं ऐसा महिलाओं पर पूरा फोकस किया जा रहा है, पहले कांग्रेस करती है, फिर सपा, फिर बीजेपी, एक ही फैक्टर अपना लिया है। नहीं, मैंने कई डिबेट्स में इस बात को कहा और बधाई दी कांग्रेस को कि उन्होंने महिलाओं के लिए 40% सीटों का आरक्षण किया है, और ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बधाई वाली बात है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे अगर सिर्फ कागज से खाना पूर्ति हो, ये ठीक नहीं है, और उनकी इस पहल का स्वागत होना चाहिए और वो टिकट दें, और इसके बाद मेरे ख्याल से दूसरे राजनीतिक दलों को भी विवश होकर उनको टिकट देना पड़ेगा, महिलाओं को राजनीति में आगे आना पड़ेगा। लेकिन हम फिर उसी बात को कहेंगे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, राजनीति में एक दूसरे दल में आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा है, किसी भी नेता की लाइन है, विचारधारा है, उसके आधार पे वो काम करता है। हमको आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी की आस्था हमारे राजनीतिक दल में नहीं है तो वो विवश नहीं हो सकता, उसको हम अपशब्द नहीं कह सकते, वो जा सकता है। ये तो आने जाने की बात है, आप काजोल जी थोड़ा सा अगर ध्यान करेंगी तो सरकारें गिर जाती हैं। बिल्कुल, 5 विधायक टूट के चले गए और पता चला सरकार चली गई, खत्म हो गई, सत्ता उनके हाथ से चली गई। तो जैसे कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में हुआ, 15-16 विधायकों को तोड़ के किस तरीके से, हाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो हम उनको ये नहीं कह सकते, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन हम एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए समाजवादी पार्टी पे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, बसपा के हों, बीजेपी के हों, जिन लोगों ने हम पे आस्था जताई और हमको मुख्य विपक्ष होने के बावजूद उनको ये आशा है कि हम सत्ता में आने जा रहे हैं और इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसके लिए उन सबका कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। और जो हमारी पार्टी से जाना चाहता है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कह रहा हूं, उसको मोस्ट वेलकम है, वो कल जाना चाहता हो तो आज चला जाए, उसको कोई रोका नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। ठीक है, केसी जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। जैन साहब, अभी आपने मनोज जी को सुना ही होगा, साफ तौर पर कह दिया है उनको कि बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है, और आज जिस तरह से बीजेपी का एक विधायक सपा में शामिल हो गया है, तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी में टूट फूट देखी जा रही है। देखिए, अभी कई वक्ताओं ने स्वयं कहा कि पार्टी में, लेकिन अभी 21 को ही है लगभग, अभी 17 बड़े नेता का पार्टी में शामिल। मैं आपको आपका नाम, ये लोग तो काफी पहले आते थे बड़े और सारे समाजवादी, लेकिन आप ये देखिए गोरखपुर से जो मंत्री थे बीएसपी के देव, और इसी तरीके से मुकेश, बिजनौर से कुशीनगर से वीरेंद्र सिंह, से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े थे, सोनभद्र से रूबी, कोशिश करेंगे। मनोज यादव जी, एक बात बताइए, आज अखिलेश यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो सदस्यता ली है बसपा के विधायकों ने, सपा की और बीजेपी के जो एक विधायक हैं, इस दौरान उन्होंने बहुत बीजेपी पर वार किया है। एक और बात उन्होंने रखी है कि मथुरा को मेट्रो की सौगात और झांसी को मेट्रो की सौगात की बात बीजेपी ने कही थी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया है। वादे तो आप भी बहुत कर रहे हैं, आप पे विश्वास कैसे किया जाए कि आप वादे पूरे करेंगे? देखिए, 2012 से 17 के बीच में और उससे पूर्व में आदरणीय नेताजी की जब सरकार रही 3 बार,
हमने अपने घोषणा पत्र से कई गुना ज्यादा काम करने का हमेशा प्रयास किया और करके दिखाया। घोषणा पत्र तो हमने पूरा किया और जो कहा, लेकिन अपराध पर लगाम नहीं लगा पाए, वहां चूक गए शायद। देखिए नहीं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम झूठ बोल सकें। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर भी इतनी ताकत नहीं कि हम जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको हम सिरे से खारिज कर दें। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मुख्यमंत्री थे, अगर आप पत्रकारिता जगत में तब रही होंगी तो आपको पता होगा, जब भी मीडिया उनसे ये सवाल पूछता था कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सब्जेक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक है, तो उन्होंने कभी इग्नोर नहीं किया, हमेशा कहा कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर एक विषय है, वो कोई जादू की छड़ी नहीं कि ऐसे ऐसे घुमा देंगे और लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा। उसके लिए आपको एक पूरा व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो ये सीधा ये जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं मनोज यादव जी, ये जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं तो ये तो दूसरी सरकारों पर भी वही लागू होता है ना। आप अपने लिए तो कह रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, बीजेपी के लिए कोई जादू की छड़ी है? बीजेपी के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो तुरंत ठीक कर दे? फिर आप सवाल भी मत उठाया करिए जब अपराध बढ़ता है तो। हम उठाने के लिए देखिए, आपने समाजवादी विचारधारा को अगर देखा होगा, समझा होगा, समाजवादी पार्टी ने इस बात को कभी नहीं कहा कि हम जीरो टॉलरेंस कर देंगे, हम अपराध को खत्म कर देंगे, बिल्कुल कभी भी नहीं कहा। देखिए, अगर समाज है, लोग है, आपकी बड़ी आबादी है, तो अपराध का रेशियो कम और ज्यादा हो सकता है, कोई भी सरकार हो, लेकिन आप खत्म कर देंगे ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैकेनिज्म अच्छा तैयार किया जाएगा काजोल जी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जो अपराध है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। मैं एक बीजेपी से एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों, आपको अगर टिकट जो काटना है उनके काट दो, टिकट जल्दी लिस्ट कर दो। मैं बात को ये भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमने उन वो विधायक सपा में शामिल हो गए जिनको हमने टिकट काटा है। बहुत बड़ी संख्या है बीजेपी के तमाम सारे विधायक और सांसदों की, और तो और ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। तो मैं तो अनुरोध करूंगा जल्दी टिकट ले आओ, 100 और 150 वाली कटने वाली। मैं बात को चिल्लाते रहोगे जनता विश्वास भी नहीं करेगी आप पे। जैन साहब देखिए, बात यह है कि कभी लोग आते जाते रहते हैं, समाजवादी पार्टी से ही संजय सेठ जी हो, आपकी आवाज नहीं सही आ रही, वो लोग पार्टी में। और अक्टूबर को तमाम सारे नेता पार्टी में शामिल हुए, जैन साहब शायद आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू है, आप एक बार कोशिश करिए उसे ठीक करने की। आप प्रॉब्लम ठीक करिए, उससे पहले मैं रोशनी जी के पास जाऊंगी। रोशनी जी, आप सपा को भी सुन रही हैं और बीजेपी को भी सुन रही हैं, बीजेपी से तो आप ठीक है। जैन साहब आपकी आवाज आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी, रोशनी जी से सवाल करूंगी। रोशनी जी, बीजेपी से तो आपकी कट्टर दुश्मनी है, सपा से आपकी दुश्मनी है, दोस्ती है, ये समझ नहीं आता है। तमाम सारे लोग आते जाते रहते हैं, अभी तमाम सारे लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बात को जनता पार्टी के कई भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के विधायक जो है सपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो हो रहा है, आज ही हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर एक विधायक गए तो हमारे यहाँ 17 विधायक अभी 1 अक्टूबर 2021 में थी, अभी करीब 27-28 दिन पहले हमारी पार्टी में 17 पहले नहीं। एक सवाल है जैन साहब, एक सवाल है बहुत छोटा सा है, ये मेरा पर्सनल सवाल है, आप एक बात बताइए कि आप लोग यानी कि बीजेपी जो कहती है कि हमने बहुत काम किया है, 5 साल होने वाले हैं, समय बहुत कम है, 1-2 महीने का वक्त रह गया है, 5 साल पूरे हो जाएंगे, आप कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, आप ये बताइए जब आपने इतना काम किया है, आप जब विकास की राजनीति कर रहे हैं तो फिर आपको दूसरों की देखा देखी तमाम वादे तमाम दावे क्यों करने पड़ रहे हैं? महिलाओं के फैक्टर पर पहले कांग्रेस आती है, सपा आती है, फिर बीजेपी आ जाती है। देखिए, दावे और वादे की बात नहीं है, मूल्यों को स्थापित करने की आवश्यकता, समाज की जनता की जो मांग है क्या, उन दावों को माननीय अमित शाह जी ने अभी जो में तमाम 1.5 करोड़ लोगों को 50 लाख लोगों को आवास, क्या हो
जैन साहब आप अपने एयरफोन निकालकर भी बात कर सकते हैं, शायद उसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब अपनी ईपी हटा के भी बात कर सकते हैं। जी आवाज नहीं आ रही हमारी क्या? हाँ, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है, बोलिए। जी जी देखिए देखिए तमाम सारे जो काम हुए में आई भी थी और बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश से गिराए थे। कितने मेट्रो, कितने शहरों में मेट्रो, कितने शहरों में मेट्रो, और आप देखिए 50 आवास के शौचालय बनवाए पहले थे, सुबह निकल जाए कहीं रोडों पे लाइट जलता होना पड़ता, महिलाएं रोड पे पहले आप क्या रही है आज हर घर में शौचालय होता। ठीक है ठीक है, रोशनी जी मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि बीजेपी से आपकी कट्टर दुश्मनी है, सपा से दोस्ती है, दुश्मनी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या आपके दरवाजे खुले हैं गठबंधन के लिए? देखिए सबसे पहले बात तो जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं वो भगवान भी नहीं चाह रहा है कि वो बोले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके आकाओं ने उनको यही बोला है कि जब बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इसलिए उनकी आवाज ही नहीं आ पा रही है। भगवान भी चाह रहा है कि आप ना ही बोलें वो ज्यादा बेटर है। कांग्रेस तो सत्य के रास्ते पर चली आ रही है, सत्य के रास्ते पे ही 70 साल से सुई से लेकर तभी दशकों से आपकी पार्टी नहीं आ पाई है यूपी में, इसी वजह से 70 साल पूरे उत्तर प्रदेश में दो सीटें भी लेके हवाई जहाज बनाने का काम 30 सालों कांग्रेस पार्टी। रोशनी जी आपकी मुस्कुराहट देखकर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जीत की जो खुशी है ना वो आपके चेहरे पर अभी से दिख रही है, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे बीजेपी और सपा में भी नहीं दिखाई दे रहा जितना कांग्रेस में दिखाई देता है। ये सत्य की मुस्कुराहट है, और जो पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के कार्यकर्ता ये हार की मुस्कुराहट है, जा जाकर जिस तरह मदद की है और धरातल पे काम किया है आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हर मुसीबत के समय में जनता के साथ खड़ी है, चाहे आप लखीमपुर का मुद्दा देख लीजिए, अभी कल ललितपुर थी जी जी, उसके पहले हाथरस का कांड देख लीजिए, उसके पहले न जाने मैं उंगलियों पे गिनवा सकती हूँ कितने काम है उनके। नहीं हम देखते हैं और देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, प्रियंका गांधी जा रही हम देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जहाँ जा रही है हमारी नेता पे हमें भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जनता के मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी रही है, कोरोना काल में आप देख लीजिए, चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकंड वेव हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही थी जो लोगों की मदद करी थी, जब सबसे ज्यादा जनता को जरूरत थी उनके जनप्रतिनिधि की तो सारे के सारे दल के नेता अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे, जनता की मदद सिर्फ कांग्रेस की पार्टी की। मनोज यादव जी, वाह वाह क्या बात है। मनोज यादव जी देखिए समय कम है इसलिए कि कमेंट आप सभी से लेना चाहूंगी। मनोज यादव जी, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, बीजेपी ने बहुत कुछ कर रही है, सपा ने तो अपने कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं, शून्य सपा। देखिए निश्चित तौर पे ये आरोप लगते हैं और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पे इस तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन काम कहीं कोई झुठला नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार रही तो जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं, वो फिर लखनऊ में मेट्रो का काम हो, बच्चों को लैपटॉप देने का काम हो, चाहे एक्सप्रेसवेज बनाने का काम हो, चाहे हॉस्पिटल को सुदृढ़ और उनको आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे आईटी सिटी स्थापित करने का काम हो, चाहे SCL की कंपनी लाने का काम हो, चाहे सैमसंग की कंपनी को लाने का काम हो, इस तरह के मैं अगर गिनाता जाऊंगा, स्टेडियम बनाने का काम हो, चाहे JP सेंटर बनाने का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री का कार्यालय शानदार बनाने का काम हो, काम इतने हैं कि हम गिना नहीं सकते। हाँ हम पे एक आरोप लगता है, लॉ एंड ऑर्डर लेके को लेके बात कही जाती, लेकिन वो भी एक प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा इसलिए है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मानते हैं कि आप पर आरोप लगता है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, एक लाइन बोलूंगा बस, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जब घटना घटती है लखीमपुर की तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, क्या किसी टीवी चैनल पे उनकी फोटो लगा के कहा जाता है, क्या कभी अमित शाह या मोदी की फोटो लगा के कहा जाता है कि देखो कैसे गुंडागर्दी इनके लोग कर रहे हैं? नहीं कहा जाता। हमारी सरकार होती तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे मुख्यमंत्री का फोटो लगा के टीवी वाले चलाते हैं और कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है।
किसी बच्ची के साथ यहाँ रेप हो जाता है उस पर ट्रोल नहीं करती है मीडिया, उस व्यक्ति को विधायक को नहीं ट्रोल करती है। ऐसा नहीं है मनोज, झापड़ खा जाते हैं उसी विधायक के लोग, तब वो ट्रोल करते हैं। ठीक है, मैं आपको आपको डिबेट के लिंक भेज दूंगी, डिबेट के लिंक, प्रोग्राम के लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम कितने सवाल करते हैं नहीं करते। मैं तो खुद की बात कर रही हूँ, मेरे खुद के इतने सारे, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, सारी मीडिया की बातें कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, और कई ऐसे चैनल है जो दिखाते हैं लेकिन कोई मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगा सकता। ठीक है, वो चैनल और है। ठीक है ठीक है यादव जी वो चैनल और है। चलिए आखिरी कमेंट जैन साहब का। जैन साहब, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, काम भी बहुत किए हैं, विकास की राजनीति भी कर रही है, और ये भी कह रही है कि हम विकास पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मेहनत भी डबल करनी पड़ रही है। किससे खतरा ज्यादा है, प्रियंका गांधी से या अखिलेश यादव से? आवाज मिल रही है हमारी आपको? हाँ जी जैन साहब, आवाज आ रही है। आखिरी कमेंट आपका, बहुत छोटा सा। खतरा किसी से भी नहीं, ना तो प्रियंका जी से है ना अखिलेश। उत्तर प्रदेश में और उसी काम के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने आधार पर जनता से वोट पर। दूसरी बात ये भी बात हो रही थी, आप देखते हैं सरकार अंसारी दुकान सपना दी इस पार्टी के और उनके प्रकार से सबसे ज्यादा जो दुर्दान सपना दी उसमें मारे गए। चलिए ठीक है, ठीक है जैन साहब, ठीक है आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है, और दल बदल की जो राजनीति है वो भी साफ तौर पर नजर आती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकल कर सामने आती है, वो ये कि अपने फायदे के लिए जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो दल बदल की राजनीति करते हैं। इससे ये साफ है कि जनता के बारे में ये कितना सोच रहे हैं, ये जनता को जानने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।